20 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से था और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 168 रनों का लक्ष्य रखा। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 167 रन बनाए। इस एक वक्त लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम 4 ओवर में 15 रन पर 3 विकेट गवा दिए थे। फिन एलन 1 रन, डेविन कॉनवे 1 रन और कप्तान केन विलियमसन 8 रन बना सके थे। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मार्च ने चौथे विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी निभाई। डेरिल मार्च 24 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने 39 गेंदों पर 50 रन पूरे किए। जेम्स नीसम 8 गेंदों पर 5 रन बना सके। इस बीच फिलिप्स ने एक छोर संभाले रखा और 61 गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक जड़ा। जबकि आखिरी ओवर में फिलिप्स आउट हो गए। उन्हें लहरू कुमारन ने सनाका के हाथ कैच कराया। फिलिप्स 64 गेंदों पर 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 104 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 162.50 का था। एक सूरी ने 1 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल सेंटनर ने 5 गेंदों पर 11 रन और टीम साधु ने 1 गेंद पर 4 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका की ओर से कैसन रचदा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। वही मोहित शर्मा 1 विकेट लिए। चिरंजीवी सिल्वा 1 विकेट, विनेंदु हसरंगा और लहरू कुमार ने 1 1 विकेट मिला। इसके पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। अब आगे बढ़ते हैं। क्या इस श्रीलंका ये मैच जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, ये सब आप लोग कमेंट में लिख करके बताएं। श्रीलंका की तरफ से कौन सी प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करेगा ये भी आप लोग बताइएगा। दोनों टीम